So guys, 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 कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है फिर से GTA 5 के एक और नए एपिसोड में। एंड ड्यूड, आज की वीडियो में आप सभी को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। बट गाइज, आज की वीडियो में अपने माइकल फ्रैंकिन ट्रैवलर के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। सो ड्यूड अभी अपने फ्रैंकिन पे अपने ट्रैवलर की कॉल आई थी। एंड गाइज, अपने ट्रैवलर बता रहा कि अपने ट्रैवलर को एक बहुत बड़ी गैंग ने किडनैप कर लिया है, जो कि अपने ट्रैवलर से पूरे $20 million मांग रहे हैं, तभी वो अपने ट्रैवलर को छोड़ेंगे। बट गाइज, आप सभी को तो पता ही है कि अपने ट्रैवलर के पास इतने सारे पैसे हैं नहीं, इसलिए अपने ट्रैवलर ने अपने माइकल एंड फ्रैंकिन को कॉल करा और अपने माइकल फ्रैंकिन से बोला कि तुम दोनों कैसे भी करके जल्दी से $20 million का जुगाड़ कर दो, वरना गाइस वो अपने ट्रैवलर को जान से मार डालेंगे। एंड ड्यूड, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि अपने फ्रैंकिन के पीछे एक बैग टंगा हुआ है, क्योंकि फाइनली अपने माइकल एंड फ्रैंकिन ने $20 million का जुगाड़ कर लिया है। क्योंकि गाइस, अपने माइकल ने अपनी सारी की सारी गाड़ियां बेच दी। एंड गाइस, ऐसा तो कोई सच्चा दोस्त ही कर सकता अपने दोस्त को बचाने के लिए। तो गाइस, एक काम करते हैं, हम जल्दी से अपने माइकल की जो लास्ट कार बची है इसमें बैठ के माइकल और फ्रैंकिन जल्दी से अपने ट्रैवल के गांव चलते हैं, ताकि हम ट्रैवल को उस वाले गैंग से छुड़वा सके। और ये माइकल कहां पर रह गया? माइकल भाई, तेरी अभी तक डील नहीं हुई क्या यार? गाइस, आई डोंट नो अपना माइकल कहां पर रह गया, माइकल कहां है? सो ऑलराइट ड्यूड, फाइनली अपना माइकल भी आ चुका है अपनी सारी की सारी गाड़ियों को डील करके। सो ड्यूड, एक काम करते, हम जल्दी से अपनी लैम्बोर्गिनी टैसो के अंदर बैठते हैं। एंड गाइस, अब हम चलते हैं सीधा अपने ट्रैवल के गांव में, क्योंकि गाइस अगर हमने थोड़ी सी भी देर कर दी तो गाइस अपने ट्रैवल की जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि वो गैंग को ज्यादा खतरनाक है। एंड गाइस, एक बार अपने माइकल की सारी गाड़ियां देखो भाई, ये रही, अपने माइकल ने अपनी सारी गाड़ियां बेच दी है। और गाइस, जिस बंदे ने अपने माइकल की कार खरीदी है वो बीच में भाई खड़े होकर डांस कर रहा है, क्योंकि गाइस ऐसी कारें अपने लॉस सैंटोस के अंदर कुछ ज्यादा कम है। सो ड्यूड, अब हम एक काम करते हैं, अब हम जल्दी से अपने माइकल एंड फ्रैंकिन को लेके अपने ट्रैवल के गांव में चलते हैं। एंड गाइस, हम जल्दी से उस वाली गैंग को पूरे के पूरे $20 million दे देते हैं, ताकि वो गैंग अपने ट्रैवल को छोड़ दे। बट गाइस, मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि उस वाली गैंग ने अपने ट्रैवल को किडनैप क्यों करा। मुझे लग रहा है कि अपने ट्रैवल ने कोई पंगे लिए होंगे उस वाली गैंग से। बट गाइस, कोई बात नहीं, उस वाली गैंग को तो हम बाद में देख लेंगे, सबसे पहले अपने ट्रैवल की जान भाई सबसे पहले है। क्योंकि गाइस, अगर अपने ट्रैवल को कुछ हो गया तो अपने माइकल एंड फ्रैंकिन का कुछ ज्यादा अच्छा दोस्त खो जाएगा। सो ऑलराइट एवरीबॉडी, हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने ट्रैवल के गांव में। एंड गाइस, हम जल्दी ही पहुंचने वाले अपने ट्रैवल के घर के अंदर भी। एंड ड्यूड, आई डोंट नो कि अपने ट्रैवल बेचारे का क्या हाल हो रहा है उस गैंग के सामने। और वैसे भी अपने ट्रैवल को गुस्सा कुछ ज्यादा जल्दी आता है, पता लगे गाइस अपने ट्रैवल खुंदक में आके उन सभी गैंग वालों पे हमला कर दे और वो गैंग वाले अपने ट्रैवल को मार दे। सो गाइस, हम जल्दी से चलते हैं अपने ट्रैवल के घर के अंदर। एंड गाइस, मेरे हिसाब से अपने ट्रैवल का घर इसी वाली गली में था। यस गाइस, सामने वो रहा। एंड ड्यूड, आप सभी लोग देख सकते हैं अपने ट्रैवल के घर के बाहर कितने सारे गैंग के बंदे खड़े हैं। अपने माइकल एंड ट्रैवल को लगा था कि भाई कम से कम 5-6 बंदे होंगे बस यहाँ पे, तो ये बंदा अपनी पूरी गैंग लेके आया है। सो गाइस, एक काम करते हैं, हम जल्दी से अपनी कार इधर ही पार्क कर लेते हैं। एंड गाइस, हम जल्दी से इस वाले गैंग के मालिक से मिलते हैं कि इस वाले गैंग का मालिक है कौन। शहर से यही है उस गैंग का मालिक। एंड गाइस, वो रहा अपने बेचारा ट्रैवल। अरे अरे, तुम आ गए पैसे लेके? अरे हाँ, मैं ही फ्रैंकिन हूँ। बट गाइस, आप सभी लोग देख सकते हैं अपना बेचारा ट्रैवल इनके सामने कैसे हाथ फैला रहा है। भाई साहब, इन गैंग वालों को तो मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं, बट गाइस अभी हम कुछ नहीं कर सकते। सो ड्यूड, एक काम करते हैं, मैं जल्दी से इस वाले गैंग के लीडर को अपने $20 million दे देता हूँ और अपने ट्रैवल को जल्दी से इनसे छुड़वा देता हूँ, वरना अपने ट्रैवल को ये छोड़ने वाले नहीं है। भाई साहब, कितने सारे बंदे ट्रैवल को घेर रखा है। तो कहते, एक काम करते हैं, हम जल्दी से इसको $20 million दे देते हैं। सो ऑलराइट गाइस, फाइनली अपने फ्रैंकिन एंड माइकल ने अपने ट्रैवल की जान बचा ली है। एंड गाइस, अपने $20 million उस गैंग का लीडर लेके जा चुका है। बट गाइस, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि अपने ट्रैवल ने उससे पंगे लिए क्यों थे, भाई वो इतनी बड़ी गैंग का लीडर था। बट एनीवेज गाइस, यहां पे अपने ट्रैवल की जान बच चुकी है, हमें उससे अच्छी बात क्या चाहिए। और ये वाली गैंग का बंदा यहां पे क्यों खड़ा है, इसकी तो ये ले भाई साहब, ये शायद से उसी गैंग का बंदा है, इसको तो यहां पे मारते हैं। और एक सेकंड भाई, अपने पे फोन किसका आ रहा है? गाइस, आई डोंट नो अपने फ्रैंकिन पे किसका फोन आया, और आई थिंक भाई बंद भी हो गया, भाई फोन था किसका? सो ड्यूड, यहां पे एक बहुत बड़ी टेंशन लेने वाली बात हो चुकी है। जो अपने माइकल का बेटा जिमी है, वो अपने लॉस सैंटोस के ओशन में बोट लाने के लिए गया था। एंड गाइस, आप सभी लोग बिलीव नहीं करोगे, अपने जिमी को वहां पे शार्कों ने घेर लिया है। अबे भाई, माइकल जल्दी अपने कार के अंदर बैठ जा रही है, जिमी का बच्चा भी क्या करता है। एंड गाइस, अपने साथ अपना ड्राइवर नहीं आ पाएगा, क्योंकि अपनी कार के अंदर बस 2 सीटर है, तो अपने माइकल एंड फ्रैंकिन जा रहे हैं और भाई ड्राइवर बाद में पीछे पीछे आता रहेगा। एंड गाइस, आई डोंट नो जिमी का बच्चा क्या करता रहता है। भाई यहाँ पे अभी हमने अपने ड्राइवर की हेल्प करी। एंड गाइस, अभी वहां पे हमें जिमी की हेल्प करनी पड़ेगी। बट गाइस, जिमी की हेल्प तो
कुछ ज्यादा खतरनाक वाली है क्योंकि अपने जिमी को वहाँ पे बहुत सारे शार्क ने खेल लिया है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, पागल अकेले गया क्यों अपने लॉस सैंटोस के ओशन में? इसे पता है कि आजकल बहुत ज्यादा न्यूज आ रही है कि अपने लॉस सैंटोस के ओशन में आजकल कुछ ज्यादा शार्क हो चुकी है। एंड गाइज मुझे ये लग रहा है कि वो सारे के सारे शार्क अपनी जिमी की बोट तोड़ ना दे, और अपनी जिमी की बोट तोड़ने के बाद वो पता लगे अपने जिमी को ऐसे निकलने। अरे भाई कैसी बातें सोच रहा हूँ। सो एनीवेज गाइस हम जल्दी से अपने लॉस सैंटोस चलते हैं। एंड गाइस लॉस सैंटोस के ओशन में जाने के बाद हमें बहुत सारी गन्स लेनी पड़ेगी और एक बोट भी लेनी पड़ेगी ताकि हम अपने जिमी को अपनी वाली बोट पर ला सके। एंड गाइस हमें थोड़ी बड़ी वाली बोट चाहिए होगी ताकि वो सारी की सारी शार्क अपनी बोट तोड़ ना पाए। ओ भाई तो कैसे काम करते हैं, हम जल्दी से अपने लॉस सैंटोस चलते हैं। सो ऑलराइट गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने लॉस सैंटोस के बीच पे। एंड गाइस अपने माइकल एंड फ्रैंकलिन की जो कार थी वो बीच में टायर पंचर हो गया था, इसलिए हमें ये वाली बाइक लेके आनी पड़ी। एंड गाइस अपने माइकल दादा ने अपनी एक बड़ी बोट का भी इंतजाम कर दिया। एंड जो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं वो वाली बोट अपने लॉस सैंटोस के बीच पे आके खड़ी भी हो चुकी है। एंड कहते काम करते अब जल्दी से अपने फ्रैंकलिन एंड माइकल इस वाली बोट के अंदर बैठ जाते हैं। ड्यूड आई डोंट नो अपने जिम का क्या हाल होगा अबे यार, माइकल क्या कर रहा है, जल्दी अपनी बोट के अंदर बैठना। तो चलो गाइस फाइनली अपने माइकल एंड फ्रैंकलिन बैठ चुके हैं अपनी बोट के अंदर। एंड गाइस अब हम जल्दी से अपने जिमी की लोकेशन पर चलते हैं जो कि हमें जिमी ने अपनी लोकेशन सेंड कर दी है, वो भी अपने माइकल के फोन पे। और भाई साहब ये वाली बोट कितनी स्लो मोशन में जा रही है, बस गाइस अपनी जिमी की बोट तब तक वो शार्क तोड़ ना दे। एंड गाइस एक बात अच्छी हुई, इस वाली बोट के अंदर भाई बूस्टर लगा हुआ था जिसकी हेल्प से अपनी जो ये बोट है कुछ ज्यादा स्पीड में जा रही है। सो अगर एक काम करते हम जल्दी से अपनी जिमी की लोकेशन पर चलते हैं। भाई जिमी कहाँ पे गया, यहाँ पे रात भी होने वाली है। अच्छा हुआ इस वाली बोट के अंदर लाइट भी लगी हुई है, अगर यहाँ पे रात हो गई तो हम अपने जिमी को ढूंढ सकते हैं उसके बाद भी। अरे भाई जिमी कहाँ पे चले गया तू, जिमी आवाज से हल्की। और माइकल एक काम कर जल्दी अपने जिमी को फोन लगा, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखते हैं कहाँ पे है। अरे यार जिमी तू कहाँ पे है, मिल जा। वेट अ सेकंड गाइस, मुझे सामने में एक छोटी सी बोट दिख तो रही है। गाइस क्या आप सभी को भी वो बोट दिख रही है? ओह माय गॉड। सो गाइस हमें फाइनली हमें जिमी मिल चुका है। भाई साहब जिमी की बोट तो डूबने वाली थी माइकल। एंड गाइस अच्छा हुआ हम टाइम रहते अपने जिमी के पास पहुंच चुके हैं। और गाइस यहाँ पे कोई शार्क है भी या फिर नहीं? अरे भाई साहब गाइस यहाँ पे तो सच्ची मुच्ची में बहुत ज्यादा शार्क है। अबे जिमी के पास भी एक शार्क है। ओह माय गॉड गाइस यहाँ पे तो कुछ ज्यादा शार्क आ चुकी है। भाई क्या चल रहा है, अपने फ्रैंकलिन की बोट पे आ रहे। अरे अरे ये तो अपने फ्रैंकलिन की बोट पलटाने के चक्कर में हो रही है। अरे भाई साहब ये तो अपने फ्रैंकलिन की बोट में घुसे जा रही है। गाइस एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इन सभी शार्कों को अपने जिमी से दूर लेकर चलते हैं ताकि अपने जिमी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके जल्दी से। और गाइस मेरे हिसाब से अपने जिमी का जो बोट का फ्यूल है वो खत्म हो चुका है। और भाई साहब ये सारे के शार्क तो गाइस मेरे पीछे पीछे आते जा रही है, इनकी तो और इतने बड़े बड़े फिन है। अरे 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 भाई ये तो अपनी बोट पर जा देंगे। अरे गाइस एक काम करते हैं, हम सबसे पहले अपने जिमी को कैसे भी करके अपनी बोट पर ले लेते हैं। अरे अरे गाइस ये तो अपनी बोट पर जा रही है। अबे भाई कैसे भी करके फ्रैंकलिन जल्दी अपनी बोट सीधी कर। अरे फ्रैंकलिन भाई जल्दी अपनी बोट सीधी कर। ओ शिट। और ये फाइनली गाइस फाइनली अपने फ्रैंकलिन ने अपनी बोट को सीधा कर लिया है और अपनी जिमी की बोट बोरी। तो कैसे काम करते हैं, हम जल्दी से अपने जिमी को अपनी बोट पर ले लेते हैं वरना ये सारी शार्क अपनी जिमी को मार देंगी। फ्रैंकलिन जल्दी 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 ओके। तो गाइस अपने फ्रैंकलिन ने यहाँ पे अपना बूस्टर ऑन कर लिया और एक काम करते हैं, हम जल्दी से अपने जिमी को अपनी बोट पर ले लेते हैं। मैं जिमी आ रहा हूँ, जिमी वहां से हिलियो मत। ओके गाइस एक काम करते हैं, मैं जल्दी से अपने जिमी के ऊपर ये वाली बोट रोक देता हूँ आराम से। ओके जिमी जल्दी मुझे बोट पे आ, जल्दी। अबे जिमी भाई जल्दी आ जा। सो ऑलराइट गाइस फाइनली अपना जिमी अपनी बोट के अंदर आ चुका है। जिमी भाई जल्दी बोट के अंदर बैठ जा यार, क्या कर रहा है। एंड गाइस ये सभी शार्क तो अपने पीछे पड़ गई। भाई एक काम करते गाइस, इन वाली शार्क को मैं मार दूं क्या? मैं सोच रहा हूं इन सभी शार्कों को मैं मार दूं। एक काम करते गाइस, इन सभी पे मैं अपनी आप ही छोड़ता हूं तब ये मानेंगी। एंड गाइस यहां पे अपने फ्रैंकलिन ने एक काम करा है, यहां पे अपने फ्रैंकलिन ने अपने माइकल एंड जिमी को इस वाली बोट के अंदर भेज दिया है। सो गाइस एक काम करते हम उन वाली शार्क के ऊपर अपनी आप ही छोड़ते हैं। गाइस ये शार्क आ गई यहां पे। भाई साहब ये सारी शार्क अपने साथ साथ आ रही है, इनकी तो ये लो। अरे भाई इनको तो कोई अपनी आरपीजी का असर ही नहीं होना। गाइस आई डोंट नो ये वाली शार्क कहाँ पे जा रही है। अरे भाई कुछ तो असर हो जाए, कहाँ गई गाइस ये सारी शार्क कहाँ पे गई? अरे भाई साहब ये तो सब मेरी बोट के ऊपर आना चाहती है। गाइस एक काम करते हैं, हम जल्दी से अपनी जो बोट है वो थोड़ी और आगे ले जाते हैं वरना ये अपनी बोट तोड़ देंगे। और अपने माइकल एंड जिमी तो अंदर ही है, इनकी तो ये लो भाई साहब अपने फ्रैंकलिन ने तो अपनी बोट भगा ली। एक काम करते हैं इस बार इनके ऊपर अपनी गन चलाते हैं। इधर आ बेटे ये कहाँ गई सारी की सारी शार्क? आ जा ये लो अपने फ्रैंकलिन की गन्स लो तुम, ये लो। अरे भाई अरे गाइस हो रहा है ये मर रही है। अरे भाई ये शार्क गई। अरे 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 भाई ये तो अपनी बोट के ऊपर
भी आ गई गाइस। अरे भाई साहब वो बोले छाक तो भाई मरे गई थी गाइस, इन पे अपनी गन का असर हो रहा है इनकी, तो अब आएंगे ना मजे बिडू। अब होएगा बराबर की टक्कर। कहां गई आजा आजा आजा, कहां गई वो शार्क गाइस, कहां पे गई मुझे, आ जाओ ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, वो गई ये वाली शार्क। ओ भाई इतनी बड़ी शार्क गाइस, अपने फ्रैंकलिन ने अपनी सारी शार्कों को मार दिया है। सो डूड एक काम करते हैं, हम जल्दी से अपनी लॉस सैंटोस के बीच पे वापस से चलते हैं। अरे अरे फ्रैंकलिन भाई अपनी बोट की स्पीड कम कर। अरे ये लो गाइस ये देखो, अपना फ्रैंकलिन अपनी बोट को लॉस सैंटोस के बीच पे ले आया। भाई फ्रैंकलिन क्या कर रहा है, और जिमी और माइकल जल्दी से अपनी बोट के अंदर से उतर जाओ। सो गाइस आप सभी लोग देख सकते हैं कि आज की वीडियो में हमने अपने ट्रैवल की जान बचाई, वो भी 20 मिलियन डॉलर देके। एंड गाइस हमने अपने जिमी की भी जान बचाई, वो भी उन सभी शार्कों से। सो गाइस अगर आपको आज वाली वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक, एंड गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।